भाई इंटेल एमडी मार्क उठाई वाली सीन यार रुकना नहीं चाहिए। अभी यार इंटेल वालों ने अपना 15 जनरेशन निकाला था, आग लगा दी थी, मैंने बातचीत करी, एमडी वाले कैसे रुकेंगे, ऐसे कैसे हाइप लपेट लेंगे इंटेल। यार यहाँ पे इन्होंने अपनी X3D मॉडल्स निकाल दिए, यस एमडी ने अनाउंस कर दिया यहाँ पे अपना 9800X 3D, और इनके जो 3D प्रोसेसर है गेमिंग के लिए ताबड़तोड़, L3 कैचे इसमें ज्यादा मिलती है, तो परफॉर्मेंस यार पीक है। बाकी यही नहीं और भी सुनिए भाई, यहाँ पे अपने दो और नए प्रोसेसर इन्होंने निकाले, 4AM4 जो पहले वाला सॉकेट था उसके लिए भी। अगर आप PC बिल्ड करने जा रहे थे थोड़ा सा रुक सकते हो, ये वीडियो के बाद सोचा जा सकता है। चलिए दोस्तों अभी स्टार्टिंग से थोड़ा शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले तो यार X3D मॉडल्स के बारे में बात चल रही है ना, इस साल यार AMD वालों ने अपना यार 9000 सीरीज निकाली थी, इसमें 9600 आ गया, 9950 और 9900X था। इसमें हमने यार बहुत सारे प्रोसेसर रिव्यू कर चुके हैं, वीडियोस बना चुके हैं, आई बटन पे सॉलिड आपको PC बिल्ड में मिल जाएगा, प्रोसेसर को भी अंदर तक नापा था हमने। अगेन AMD वालों ने यार ये करा था, ये कुछ मंथ हो गए हैं काम करे हुए, उसके बाद भाई ये प्रोसेसर काफी काबिले तारीफ थी अगेन, और AMD का तो आप लोग जानते हो बहुत बड़े फैन यूज, मेरे को भी पसंद है AMD के प्रोसेसर। अब इंटेल से रुका नहीं गया तो इंटेल ने भाई अपनी 15 जनरेशन यहाँ पे निकाली थी, अगर नहीं पता है तो हमने रिसेंट में आई बटन पे वीडियो बना रखी है। ये प्रोसेसर भी काफी काबिले तारीफ थी यार, इंटेल ने नाम चेंज कर दिया अपना, जैसे अभी i5 i7 ये सब चलता था ना, पूरा नेम चेंज कर दिया, उसके अलावा परफॉर्मेंस में भी काफी तगड़ा काम करा गया, तो इंटेल भी अपनी जगह पे ठीक था, पर ये चीज शायद AMD से देखी नहीं गई भाई, मुझे जितना लगता है। इन्होंने अपनी भाई X3D प्रोसेसर यहाँ पे रिलीज आउट कर दिया, टीज करा एक तरीके से आप देख सकते हो, अवेलेबल भी हो गया 9800X 3D, यहाँ पे आपको 7 नवंबर के आसपास शायद इसकी लिस्टिंग रहने वाली है, मतलब वो अनाउंसमेंट जो भी रहता है। और ये प्रोसेसर सही में दोस्तों काफी खतरनाक रहने वाले। अच्छा ये चीज में AMD वाले रुके नहीं, सबसे अच्छी चीज मुझे यही लगती है AM4 जो इनका पुराना वाला सॉकेट है, हो सकता है बहुत लोग आज के टाइम पे यूज कर रहे होंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से यार देखा जाए तो 5600 ये सब अगर आप प्रोसेसर यूज कर रहे हो, 3600 5600G ये सब AM4 प्रोसेसर ही है और काफी अच्छे है, अभी के टाइम पे भी बहुत PC बिल्ड हो ही रहे हैं यार AM4 वाले। और AMD की यही अच्छी बात है, ये पुराने वालों को छोड़ते नहीं है, दो और नए प्रोसेसर निकाल दिए 5600T और 5600XT करके। अब इनका भी यार थ्रॉप आउट बोल सकते हो, ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, कुछ चीजें बताते हैं। अब देखो सबसे पहले तो यार X3D पे बात करते हैं, क्योंकि ये तमाचेदार है, ये परफेक्ट एक गेमिंग किलर प्रोसेसर होता है। अगर इन सिंपल बताऊं तो नॉर्मल प्रोसेसर जो होते हैं ना उसी तरीके से रहते हैं, इनके यार L3 कैचे पे काम करा जाता है। अगर किसी भाई को नहीं कर पता है तो कंप्यूटर की अगर थोड़ा बहुत अगर आपको बताऊं तो रैम के बारे में आपको सबको पता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये अपनी यार फास्ट स्टोरेज टाइप हो गई, मतलब रैम का अपना यूज है, उसके अलावा रोम भी अपनी आती है, ऐसे और भी बहुत सारी मेमोरीज रहती है यार कंप्यूटर के अंदर, बट सबसे फास्ट उसमें से देखा जाए तो कैशे मेमोरी होती है, इसको आप कैचे भी बोलते हैं, काफी लोग कैशे हो गए, अलग अलग नाम से। अब ये यार ये होती है प्रोसेसर के अंदर, यस ये अलग से नहीं, आप जो प्रोसेसर खरीदते हो ना वो छोटा सा उसके अंदर रहता है। अब इसके भी यार लेवल बना रखे हैं, L1 L2 L3 कैचे करके होता है। ये जो ये X3D मॉडल होते हैं ना AMD के, यहाँ पे L3 कैचे जो होती है ना वो ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू अदर मॉडल्स। अब इसका फर्क क्या पड़ता है, बहुत हद तक गेमिंग के अंदर भाई L3 कैचे का मतलब आप बोल सकते हो कैशे मेमोरी ज्यादा हुई तो गेमिंग एक्सपीरियंस टॉप लॉन्च आपका निकल के आएगा, और ये देखा भी गया, लाइक 7800X 3D का अगर आप गेमिंग परफॉर्मेंस देखोगे ना वो 7800X से आपको काफी बेटर मिलेगा। मतलब अगेन यार अगर गेमिंग को आप सोच के चल रहे हो तो ये प्रोसेसर काबिल तारीफ है, क्योंकि एग्जांपल के लिए ये देखो ना यार ये 7950X है, ठीक है, अब इसके अंदर देख सकते हो 64 MB के आसपास की है, L3 कैचे है, ठीक है, और वही अगर इसका X3D वाला मॉडल देखोगे तो वहां पे 192 MB के आसपास L3 कैचे है, तो इसी से सोच सकते हो यार कितना प्रभाव पड़ता है। तो अगर गेमर वेमर लोग हो तो इसके लिए रुक सकते हो, मैं तो बिल्कुल प्रेफरेंस दूंगा, अगर आप थोड़ा रुक सकते हो तो भाई जा सकते हो, वरना 7800X 3D भी अच्छा ऑप्शन है, ऐसा बेकार नहीं है, ये नया रहेगा ये अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी इसका यार सीनेबेंच स्कोर भी यहां पे देखने को दिखा था, ये ट्विटर यूजर है, कोड कमांडो के द्वारा करा गया, उनको यार क्रेडिट बिल्कुल, और यहां पे आप देख सकते हो सिंगल कोर मल्टी कोर का क्या सीन चल रहा है, और ये X3D मॉडल का सीनेबेंच स्कोर है, तो ये नाम चल रहा है भाई। बाकी जल्दी ये प्रोसेसर मेरे पास आने वाले हैं, तो उसके बाद तह से अंदर तक घुस के यार PC बिल्ड भी करा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों प्राइस की बात करूं तो अभी इनिशियली जो US और इन सब कंट्रीज के लिए तो $500 के आसपास प्राइस है, बट देखो इंडिया में ये प्राइस अलग हो जाती है, आपको भी पता है अब क्या कुछ कम रहती है क्या रहेगा, बट 500 के नियर अबाउट तो रहेगी या उससे ऊपर आप बोल सकते हो, मतलब 40,000 अबव ही रहेगा, तो इसका PC बिल्ड जाएगा भाई आराम से 1,70,000 ऐसे करके, या शायद उससे भी महंगा जा सकता है, तो है ये तो है सी। अभी चलो एक बार प्रोसेसर हत्ते लगेगा तो और टेस्ट कर लिए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों और अगर एक्सपेंड करें तो मैं जैसा बता रहा था AM4 के लिए यहाँ दो प्रोसेसर निकाले AMD वालों ने, एक 5600 है और ये टी वर्जन है, और एक 5600XT है। अब जो टी वर्जन है ना इसका तो Geekbench स्कोर भी अवेलेबल हो रखा है, आपको बता दूं ये देख रहे हो ये Geekbench पे अवेलेबल है, क्या चल रहा है देख रहे हो। और बाकी इसका जो
परफॉर्मेंस स्कोर आप देख रहे हो, सिंगल कोर मल्टी कोर परफॉर्मेंस, ये आपका काफी हद तक भाई 5600 से मिलता जुलता है। तो अगर आप 5600 ले रहे थे तो ज्यादा ऐसा फर्क नहीं है, बट नए प्रोसेसर रहेंगे, नाम नया वही वाली बात है। अब ये दोनों प्रोसेसर अपना 6 कोर 12 थ्रेड के साथ आने वाले हैं और कुछ ऐसी छोटी मोटी अभी तक यार चीजें निकल के आई है वो मैंने आपको बता दिया। रुक सकते हो, पर AM4 प्रोसेसर है ये भी है। अगर आप सोच रहे थे 1-2 महीने बाद पीसी बिल्ड करने का, तो AM4 में अगर कर रहे थे तो ये प्रोसेसर भी रह सकते हैं, नए आएंगे। बाकी हाँ, इसका स्कोर देख लेना, अभी एक बार आ जाए मार्केट में तो बातचीत होगी। तो ये कंप्लीटली ओवरऑल सीन था भाई, 3 प्रोसेसर का मैंने आपको बता दिया। AMD वाले भी खुल्लम खुल्ला मारपीट पे उतर आए हैं, इंटेल तो है ही पहले से। बाकी चलो, होप सो आपको वीडियो पसंद आया, बिल्कुल लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब बनता है ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोस के लिए, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय यार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।